लेकिन बड़ा सवाल अखिलेश यादव और आजम खान की अदावत का है, क्योंकि जेल से छूटते ही आजम खान ने इशारों इशारों में साफ कह दिया कि उनका अखिलेश से दिल भर गया है। वहीं आजम खान के भाई ने जो बात अखिलेश यादव को लेकर कही, वो आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की खाई को और ज्यादा गहरा कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। आजम खान के भाई का अखिलेश पर इल्जाम, अदावत दिखी सरेआम। देना चाहिए था आजम खान का, वो नहीं दिया। ना नहीं दिया, ने वोट नहीं मांगे समाजवादी के लिए, इनकी जमानत जब्त हो जाए। समाजवादी पार्टी पूरी मोहम्मद आजम साहब के साथ है। रुकेंगे नहीं आजम, झुकेंगे नहीं अखिलेश, जेल से छूटने के बाद जौहर संदेश। जो एजुकेशन कमीशन मैंने शुरू किया है, वो रहे या न रहे, आपने अगर जौहर यूनिवर्सिटी को देखा नहीं है तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप उसे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल से छूट कर आए, लेकिन अपने साथ वो तूफान भी लाए जिससे सूबे की राजनीति में हड़कंप मच गया। क्योंकि आजम खान के भाई शरीफ खान ने आजम खान के रिहा होते ही अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने जो साथ देना चाहिए था आजम खान का, वो नहीं दिया? ना नहीं दिया, नहीं दिया। आप क्या करेंगे परिवार आजम खान, क्या राय देंगे आप उनको? बड़े भाई हम तो आजम खान के साथ हैं, जो वो कहेंगे वो करेंगे। कितनी नाराजगी है परिवार को आजम खान? परिवार को क्या है? क्या लगता है आपको, मुसलमान अब नाराज हैं समाजवादी पार्टी? हाँ भाई, मैं तो जितनों से मिलता हूँ सब कहते हैं, और नीति सब मुसलमान इनसे पूछ रहे हैं आप। और रही सही कसर खुद आजम खान ने पूरी कर दी, क्योंकि जब उनसे अखिलेश यादव का नाम लेकर सवाल किया गया तो आजम खान सवाल टाल गए और इशारों इशारों में एक साथ कई निशाने दाग दिए। तवार मानता ही नहीं हूं तो मैं माफ किस चीज के लिए करूं? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है, पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है, मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। एक महीने पहले जब आजम खान के मीडिया सलाहकार फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था, तब सबके जहन में एक ही सवाल था कि जब आजम खान जेल से बाहर आएंगे तो कौन सा तूफान लाएंगे। और अब आजम खान ने भी साफ कर दिया है कि वो रुकेंगे नहीं, और दूसरी तरफ अखिलेश ने भी साफ कर दिया कि वो झुकेंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर ट्वीट तो किया लेकिन वो उनसे मिलने नहीं गए, जबकि शिवपाल यादव आजम खान से मिलने जेल भी गए थे और रिहाई के वक्त भी साथ थे। आजम खान के समर्थक हों या उनके करीबी रिश्तेदार हों, वो जरूर समाजवादी पार्टी से खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आजम खान ने समाजवादी पार्टी से खुलकर कोई नाराजगी जाहिर नहीं की है। अलबत्ता उन्होंने इशारों इशारों में कुछ अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराई है। अब मुद्दे की बात यह है कि आजम खान सपा में रहेंगे या फिर अपने लिए नई मंजिल तलाशेंगे, क्योंकि आजम खान के पास ऑफर्स की कमी नहीं है। कांग्रेस और AIMIM उन्हें खुला ऑफर दे चुकी है, तो क्या आजम अपने लिए जल्द नई राह तलाशेंगे? हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही कि वो आजम खान के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी पूरी मोहम्मद आजम साहब के साथ है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हर समय मोहम्मद आजम साहब के बारे में सदन से लेकर सड़क तक बात की है और संघर्ष किया है। आज ये साबित हुआ कि भारत में कानून नाम की चीज़ है, वो कहावत है ना, सच परेशान हो सकता पर पराजित नहीं, जीत सच की हुई है। वो लोग जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ना जाने कौन कौन से इल्ज़ाम लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट का कोती कोती धन्यवाद कि उन्होंने हमारी हालात और हमारी सच्चाई को देखा। लेकिन आजम के तेवर कुछ और ही कहानी बताते हैं, और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या अखिलेश आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे या फिर ट्वीट और बधाई तक ही रस्म अदा कर रह जाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आजम खान और अखिलेश यादव का आमना सामना होगा, क्योंकि 23 मई से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।